हेलो एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गोजी। सिविल इंजीनियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं सुदीप कुमार अग्रवाल, स्ट्रक्चर डिजाइनर और आप सभी के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनर। आज हम देखने जाने वाले हैं कि ई टैब में कैसे ऑटोकैड की कोई से भी ड्राइंग को, कोई से भी प्लान को लेके आ सकते हैं, उसको कैसे इम्पोर्ट कर सकते हैं। कहीं आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक करें, पूरा वीडियो आखिर तक देखेंगे, आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेंगे इसमें। पूरा सीखेंगे कि कैसे इंपोर्ट होता है। कहीं आपको लग रहा है कि ये वीडियो किसी आपके दोस्त की हेल्प कर सकता है तो उसको शेयर करें। आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। कुछ वेरिएशंस होते हैं घर में, जैसे ये मैं क्लाइंट के लिए बनाया था तो कुछ वेरिएशन थे उनके घर में, अलग अलग अपन लोग को ड्राइंग देना पड़ता है, उस हिसाब से वो सिलेक्ट करते हैं। अभी अपन लोग फोकस करते हैं मेनली कि जो अपन लोग को स्ट्रक्चर डिजाइन के लिए ई टाइप में लेके आना है उस पार्ट में। तो ये फाइनल प्लान था, इसको अपन लोग को स्ट्रक्चर डिजाइन के लिए ई टैब में लेके आना था। मेरी यूजुअल प्रैक्टिस हरदम ग्रिड सिस्टम होती है, क्योंकि ग्रिड सिस्टम में मॉडिफाई करना बहुत आसान होता है ग्रिड सिस्टम से बनाने पे। अभी मैं बताने जा रहा हूँ कि ऑटोकैड पे डायरेक्ट कैसे लेके आए। सबसे पहले ऑटोकैड की ड्राइंग को कहीं ई टैब में लाना है तो आपके जितने भी अनवांटेड चीजें, मतलब बीम कॉलम को छोड़ के एक्स्ट्रा चीजों को आपको डिलीट करना रहता है। इसको लेयर बाय करना बहुत आसान हो जाएगा। जो जो लेयर हमें काम की है उस लेयर्स को मैं लॉक कर दिया हूँ। अब सिलेक्ट करके पूरे को इकट्ठा सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद जो जो अपना वापस एलिमेंट फ्रीज किए थे उसको अनफ्रीज कर देंगे, तो इससे क्या होगा, अपन लोग का जितना अनवांटेड चीज था वो डिलीट होते जाएगा। ये हरदम ध्यान रखेंगे, ई टैब में कभी भी ट्रांसफर करना रहता है तो कोई अनवांटेड चीज नहीं चाहिए अपन लोग को, सिर्फ बीम और कॉलम से मतलब है, तो बीम और कॉलम बस होना चाहिए। अब ई टैब क्या बोलता है कि आपको बीम का सिर्फ वन लेयर चाहिए, वन लेयर में चाहिए। तो अब इसके लिए अपन लोग क्या करेंगे, एक न्यू लेयर बना लेते हैं, न्यू लेयर का नाम दे देते हैं ई टैब बीम्स। अब ई टैब बीम्स को सिलेक्ट कर लेते हैं कि उस लेयर में काम करेंगे। अब इसके बाद आपका काम है सेंटर टू सेंटर, मतलब बीम जहाँ इंटरसेक्ट हो रही है उससे पॉइंट बनाना, बीम का एक पाथ बना रहे हैं हम, जिससे ई टैब को पता चल सके कहाँ कहाँ बीम है। तो उस तरह से पूरा प्रोसीजर चलते जाएगा, सेंटर टू सेंटर में बीम बनाते जा रहा हूँ, उस तरीके से पूरा प्रोसेस चलते जा रहा है, सेंटर टू सेंटर बीम बनाते जा रहे हैं हम। इस तरह से पूरे स्ट्रक्चर का बनाना है, जहां जहां आपको बीम बनाना है वहां पर आप उसका सेंटर लाइन बनाते जाने, समझे। फिर से स्पेस बार दबा देंगे, फिर से वो कमांड में आ गया मैं ऑटोकैड के। इस तरह से पूरे बीम्स को बनाएं। इस तरह से आपको हर एक बीम का उसका पाथ बताना है, मतलब उसको वन लाइन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन। तो आप ध्यान रखेंगे पूरे बीम्स का करना है, देख रहे होंगे मैं हर बीम को कर रहा हूँ, हर बीम एक दूसरे से इंटरसेक्ट हो रही है कॉलम के अंदर। इस तरह से पूरे स्ट्रक्चर का करना है। अब यहाँ पर सेकेंडरी बीम है, सेकेंडरी बीम आपको रिप्रेजेंट करना है, सेकेंडरी बीम बनाना है, तो वहां पर भी आप ऐसे ही कर देंगे इंटरसेक्ट किए, हो गया सेकेंडरी बीम बन गई। इस तरह से जितने भी टू लाइन डायग्राम है, मतलब टू लाइन आपके बीम थे, उसको वन लाइन बीम में ट्रांसफर करें। अब जितने भी एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं, मतलब जो आपके कॉलम और वन लाइन बीम को छोड़ के जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको डिलीट कर देंगे। फिर से लेयर का अपन लोग कमांड का यूज करेंगे, लेयर में जो जो अपन लोग को काम का है उसको फ्रीज कर देंगे और बाकी को सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। इस तरीके से डिलीट करने के बाद वापस आप अनफ्रीज कर दिए या फिर अनलॉक कर दिए बोले। अब अपने डायग्राम को मूव करके सेंटर में ले आते हैं। सबसे अच्छी प्रैक्टिस तो वो होती है कि आप सेंटर में ही पहले से बनाएं, तो अभी अपन लोग के केस में ऐसा नहीं हुआ, तो अपन लोग मूव करने भी बताते हैं कि मूव कैसे करके आप सेंटर में ला सकते हैं। अब यहाँ पर सेंटर को आइडेंटिफाई करने में कई बार प्रॉब्लम होती है, तो इसके लिए मैं एक आसान तरीका बताता हूँ आप लोग को। मेरे ख्याल से सब लोग को पता होगा एक रेक्टेंगुलर कमांड के बारे में, REC लिखेंगे, उसमें पहला पॉइंट दे देंगे 0 to 0 और दूसरा पॉइंट कुछ भी रेंडमली ले देंगे। अब उसके बाद जो आपकी ड्राइंग थी उसको पूरा सिलेक्ट करके मूव कर लेंगे, जितना अनवांटेड था उसको पूरा डिलीट कर देंगे। अब आपका ऑटोकैड का काम खत्म हो रहा है। अब इसके बाद इसको ट्रांसपोर्ट करना है आपको ई टैब में, तो उसके लिए आपको सेव करना है, फाइल में जाएंगे, सेव एज में जाएंगे और नाम देना है, नाम दे दिए अपने हिसाब से। उसके बाद
ऑटोकैड के जो ऑप्शंस हैं उसमें जाएंगे, और जो भी आपका ई टाइप का वर्जन है, जैसे कहीं 2016 यूज कर रहे हैं तो ऑटोकैड उसके पहले का, या फिर उसी ईयर का डीएक्सएफ फाइल यूज करेंगे, उसी ईयर का डीएक्सएफ फाइल यूज करेंगे। जैसे मैं ई टाइप अभी 2016 यूज कर रहा हूँ तो ऑटोकैड यूज करूंगा, 2013 का ऑप्शन दिखा रहा है। सेव करने के बाद अब ये पूरी फाइल को क्लोज कर सकते हैं। क्लोज करेंगे तो एक वो वार्निंग मैसेज देगा जो कि बताएगा कि आपका DXF फाइल में बस आपने सेव किया है, आपको DWG में भी चाहिए, कहीं आपको चाहिए होगा तो यस कर देंगे, नहीं चाहिए तो नो कर देंगे। अभी फिलहाल की स्थिति में मुझे नहीं चाहिए, इसके कारण मैं नो पे क्लिक करूंगा। ई टैब ओपन कर लेंगे। ई टैब ओपन करने के बाद न्यू न्यू मॉडल में जाएंगे। न्यू मॉडल पे क्लिक करते साथ ही आपको वो पूछेगा कुछ सेटिंग्स के बारे में। ये पूरा सेटिंग्स आप डिटेल में जानते हैं कि कैसे क्या करना है, पूरा कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स में। कहीं आपको वो जानना है तो कॉल करो 9111001234 में। अब यहाँ पर मैं सेटिंग्स यूज कर लेता हूँ अपने हिसाब से, उसको ओके किया। अब यहाँ पर आपको कुछ जरूरत नहीं है, ब्लैंक कर लेंगे और साथ ही साथ ऊपर स्टोरी में आपको अपने हिसाब से स्टोरी की हाइट दे देंगे। अब आपको इंपोर्ट करना है तो फाइल में जाएंगे, इंपोर्ट में जाएंगे, इंपोर्ट में ऑप्शन है आर्किटेक्चर, DWG और DXF फाइल, उस पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आपने क्लिक किया एक नया पॉपअप ऑप्शन आएगा कि आपको कहाँ से वो फाइल लेना है। आप अपनी फाइल चूज करेंगे, जो भी आपने फाइल चूज की होगी उस पर डबल क्लिक किए, ओपन किए। ये जरूरी नहीं है कहीं आप मीटर में काम कर रहे हैं, कहीं मैं ई टैब में मीटर में काम कर रहा हूँ तो मेरी ड्राइंग मीटर में ही होना चाहिए, बहुत बड़ा प्रॉफिट है। आप अपने हिसाब से जिस में ड्राइंग में हो, जैसे मेरी ड्राइंग फिट में थी, मैं फिट सेलेक्ट कर सकता हूँ और उसके बाद ओके प्रेस कर दूंगा। उसके बाद देखेंगे आप ऑटोकैड में आपने जो भी प्लान बना के रखा था वो ऑटोमेटिक यहाँ आ गया है, परंतु ये अधिकतर टॉप फ्लो में बनता है। अब इसके बाद आपको ई टैब को बताना पड़ेगा क्या बीम है क्या कॉलम है। अभी हमने पूरी फाइल्स को इम्पोर्ट कर लिया, ड्राइंग आ गई, अब उसको बताना है कि उसमें कौन सा बीम है कौन सा कॉलम है। तो मॉडल एक्सप्लोरर में डिस्प्ले में जाएंगे। डिस्प्ले में आप अपना व्यू ढूंढेंगे, आर्किटेक्चर लेयर्स दिखेगा कि अपन लोग ने आर्किटेक्चर प्लान लाए हैं। इसमें जो आपको बीम है, जो मेरी ई टाइप बीम थी, वो मेरी पूरी बीम को रिप्रेजेंट कर रही है, उसमें राइट क्लिक करूंगा। उसके बाद इसको बता दूंगा कि ये क्या है, बीम है, तो एड बीम ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर देंगे। तो आपके जितने भी बीम का लिया था वो पूरे बीम बन गए। इसके बाद इसी तरह से आप कॉलम क्लिक करेंगे, कॉलम में राइट क्लिक करेंगे, एड कॉलम ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर देंगे, आपका पूरा बन गया, आप 3D में देख सकते हैं साथ ही साथ। और ये कॉलम का साइज क्या रहेगा, जो आपने ऑटोकैड में दिया था वही साइज से वो बना देगा कॉलम को का। अब ये आपका एक फ्लो का बना है, हर फ्लो में जाना है तो कंट्रोल आर प्रेस करेंगे। कंट्रोल आर प्रेस करने के बाद स्टोरी में जाएंगे, सिवाय बेस स्टोरी को छोड़ के बाकी सब स्टोरी सिलेक्ट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि अपन लोग को दिख रहा है कि वो जिस स्टोरी में उसके नीचे तक फाउंडेशन बना हुआ है, कॉलम बना हुआ है। अब अप्लाई और ओके दबा देंगे। उसके बाद आपको कहीं पूरा का डिजाइन जानना है तो वो आपको कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स में मिल सकता है। उसके लिए कॉल करो 9111001234। फिर से नंबर रिपीट कर देता हूँ, आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो कॉल करना 9111001234 में। करना है खास तो चलो हमारे साथ, करना है खास तो चलो हमारे साथ, सिविल के बाद गुरु जी के साथ।